छीन कर खाने वाले का कभी नहीं भरता, छीन कर खाने वाले का कभी नहीं भरता, और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। दोस्तों, लॉकडाउन का दौर है और इसमें हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने का प्रयास करें। मैं हूं, आप हो, जिसका जैसा सामर्थ्य है हम, क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत लंबा चल गया है। आज भी हमारे देश की व्यवस्था जो है संभल नहीं पा रही, रोजगार रुक चुके हैं। तो इसी दौर में आप तैयारी कीजिए पब्लिक स्पीकिंग की, लोगों की हेल्प कीजिए इसके साथ। तो मैं आपके सामने ये शायरी, कुछ एक अतिथि शायरी, कैसे उनका वेलकम करें, कैसे दीप प्रज्वलन के लिए बुलाएं, कैसे स्वागत गीत के साथ उनका स्वागत करें और जाते उनका थैंक्स कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे अतिथि आ जाते हैं तो उस समय आप बोल सकते हैं कि बिना याद किए ही याद आ जाते हैं, जुबां पर मोहब्बत भरे अल्फाज आ जाते हैं। बिना याद किए ही याद आ जाते हैं, जुबां पर मोहब्बत भरे अल्फाज आ जाते हैं। अपने भीतर के दरवाजे को सजाकर देखो, दिल के मेहमान अपने आप आ जाते हैं। तो हमारे दिल के मेहमान हमारे इस प्रांगण में आ चुके हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से हमारी ये खुशियों की बगिया और ज्यादा खिलती रहे, आपके आगमन से आज हमारे बीच में आकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले वो दीप प्रज्वलन के लिए जैसे बुलाना है तो आप बोल सकते हैं कि दीप प्रज्वलन ये दिव्य ज्योति कहेंगे, शिक्षा की ज्योति कहेंगे, या आनंद की ज्योति कहेंगे, सत चरित्र की ये ज्योति कहेंगे, हमेशा जलती रहे। तो मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन की रस्म अदा करें कि खुशी का सवेरा गमों की शाम ढलती रहे, बुलंद इरादे कामयाबी की राहें खुलती रहे। खुशी का सवेरा गमों की शाम ढलती रहे, बुलंद इरादे कामयाबी की राहें खुलती रहे। पावन मन से इस मनोहरता का श्री गणेश करते हैं, सत चरित्र की ये दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहे। तो ये दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहे। दोस्तों, मैं एक बात फिर कहूँगा कि ये जो शायरी मैं बोल रहा हूँ मैंने 2 दिन पहले ही लिखी है, तो अभी मुझे भी इसको याद करना होगा। अभी देख के बोल रहा हूँ, ये बार बार आपको याद करनी होगी, क्योंकि ये शायरियों में दम है, जान है। जो शायरी आपको मुश्किल लगती है, आपको आप देखना उस शायरी में दम भी होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके मंच पर बोलेंगे, कहीं भी अटकाव नहीं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद स्वागत गीत के लिए जैसे आप बुलाते हैं अतिथियों के लिए, तो उस समय भी एक शायरी आप बोल सकते हैं कि हमारे अतिथियों के आगमन पर हम लोग खुशी से सराबोर हुए हैं और इस खुशी में हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम इनके स्वागत में गीत मस्ती भरा तराना, उसके लिए मैं बुला रहा हूं कि अनंत काल से चली रीत निभा रहे हैं, अपने दिल का दामन थमा रहे हैं कि भारतवर्ष की रीत रही है अतिथियों का सम्मान करना। अनंत काल से चली रीत निभा रहे हैं, अपने दिल का दामन थमा रहे हैं, आपके आने से ये मंच सुशोभित हुई, इस खुशी में मस्ती भरा तराना गा रहे हैं। तो इनके स्वागत में मैं आमंत्रित करता हूँ स्वागत गीत के लिए, वेलकम गीत के लिए हमारे आए हुए अतिथियों के, आए हुए मेहमानों के, आए हुए आंगतुक और खास मेहमान अजीज हमारे बीच में आए हैं, उनके स्वागत के लिए एक शब्द के अनेक शब्द बोलने का प्रयास कीजिए। केवल आप अतिथि अतिथि बोलते हैं, गेस्ट ही गेस्ट बोलते हैं, चीफ गेस्ट ही चीफ गेस्ट नहीं, अलग अलग उसके पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या होता है कि ज्यादातर मेहमान बीच में चले जाते हैं, अंत में जब जाते हैं तो उस समय भी उनको जैसे भी जब हम लोग कोई उनका सम्मान करते हैं मंच पर बुलाकर, तो वो जाते होते हैं, तो उस समय भी हम लोग एक शायरी उनके वेलकम में बोल सकते हैं धन्यवाद के लिए कि अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे। देखिए कितने शब्दों में दम है। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे, याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल, बस हाजिरी के लिए, इस हाजिरी के लिए या आज की हाजिरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तो हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और इसी तरह से हमारे बीच में आप आते रहिए। और ये थी स्वागत वेलकम शायरी अतिथियों के लिए, खास शायरी, हर सिचुएशन पे हर समय आप अलग अलग तरह से बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आप स्वामी जी यूट्यूब चैनल को देखिए और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। मैं एक मन संचालक बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, चाहे राजनीतिक वक्ता बनना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप